हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगी। इस ड्रेस को आप राधा अष्टमी पर भी पहना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को कपड़े पर कुछ तरह से चिपका लिया है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 9 इंच है और चौड़ाई भी हमारी 9 इंच की है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद में हमें तिरछे में फोल्ड करना है और यहाँ पर हमारी लंबाई आ रही है 4.5 इंच की। तो यहाँ पर भी 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से सीधा निशान लगाना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से पत्ती बनानी है। तो यहाँ पर हमें गुलाई में निशान लगाना है और जहाँ पर कॉर्नर है तो वहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगा देना है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने कटिंग भी कर लिया है और यहाँ पर मैंने अत्तर लिया है। अत्तर को भी हम यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ से कटिंग करेंगे। और उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ तरह से निशान भी लगा देना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी पत्ती आकार में जो मैंने कटिंग किया है उसी आकार में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है पूरे में। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर बचे हुए अत्तर की कटिंग करेंगी। और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। और यहाँ पर हमें कुछ तरह से कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे, बिल्कुल एक बराबर करके हमें इसको सीधा कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर कमर की साइड से भी सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। सिलाई बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ से गुलाई में कटिंग करेंगी। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है तो इसको साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगाई है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर घेर को कुछ तरह से रखेंगे पट्टी के ऊपर। तो पट्टी को फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी पट्टी को सिला है। और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है तो डोरी को हमें पहले इस तरह से रख के देख लेना है और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। गुलाई में ही हम यहाँ पर डोरी को सिलेंगे। आप चाहे तो इसमें अलग से पट्टी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने डोरी को सिल लिया है। इसको यहाँ से बराबर करके कटिंग करेंगे और इसमें हम कुछ तरह से तिरछे में निशान लगा देंगे। और डोरी हमारी दिखे ना तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लेस को भी लगा लिया है और लटकन भी हमने लगा लिए हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ तरह से गिलू को लिया है तो इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहीं पर हम यहाँ पर गिलू को लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने मोती वाली माला को लिया है तो इसको हमें यहाँ पर अच्छे से चिपका देना है। बची हुई माला की कटिंग करेंगे और फिर से हमें कुछ तरह से पहले गिलू लगा देना है और इसके ऊपर हम यहाँ पर मोती वाली जो हमने माला ली है तो इसको हमें अच्छे से चिपका देना है। तो इसी तरीके से हमें सारी कलियों में मोती को लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में कुछ तरह से मोती को लगा लिया है गुलाई में और यहाँ पर हमें दो दो निशान लगा देने हैं एक कली में। और यहाँ पर गिलू लगा लेते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ तरह से सीसा वाले स्टोन लिए हैं तो इनको भी हमें यहाँ पर अच्छे से चिपका देना है। एक कली में हम यहाँ पर दो स्टोन चिपकाएंगे।
तो पूरे घेर में मैंने कुछ तरह से स्टोन को चिपका दिया है। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का जो लहंगा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 13 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बराबर कटिंग करेंगे और इसको हमें कुछ तरह से सिल लेना है ऊपर की साइड से। और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी हमें कटिंग कर देना है। और यहाँ पर मैंने डोरी को लिया है, तो डोरी को हमें सीधी तरफ से रख लेना है इस तरह से, और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने डोरी को भी सिल लिया है, यहाँ से इसको बराबर करके कटिंग करेंगे। और यहाँ पर फिर से हमें गिलू लगा देना है कुछ तरह से, और यहाँ पर सीसा वाले स्टोन भी अच्छे से चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक पट्टी ली है। लंबाई हमारी 13 इंच की है और चौड़ाई हमारी 4 इंच है। इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर दो तरफ से सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है, और जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें बीच सेंटर पर इस तरह से रख लेना है। और रखने के बाद हम इसमें दो सिलाई और लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को कुछ तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके हमें चारों तरफ से सिलाई लगानी है। और जो हमारी पट्टी बचेगी तो इसको हमें पीछे की तरफ भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे, और यहाँ पर हमें सबसे पहले चोली को भी इस तरह से पहना लेना है। आगे से पीछे की तरफ हमें इसमें अच्छे से डोरी बांध देनी है, बिल्कुल टाइटली। और जो हमने लहंगा बनाया है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। डोरी को हम यहाँ पर पीछे से आगे की तरफ इस तरह से लाएंगे, और यहाँ पर इसमें अच्छे से नॉट लगा देनी है। लहंगा हमें इस तरह से सेट कर देना है। और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो कुछ तरह से हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सी हमारी कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। और ये ड्रेस आप 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। इस ड्रेस को आप राधा अष्टमी पर भी राधा जी को भी पहना सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।